नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा 450 ईस्वी से 470 ईस्वी में किया गया था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी एवं 1500 आचार्य थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से नहीं बल्कि देश विदेश कोरिया जापान चीन तिब्बत इंडोनेशिया फारस एवं तुर्की से ही विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। किंतु मुगल शासक बख्तियार खिलजी द्वारा सन 1199 ईस्वी में इसको पूर्णतया नष्ट कर दिया गया। इसका कारण ये था, एक बार बख्तियार खिलजी बहुत अधिक बीमार पड़ गया था। अनेक हकीमों द्वारा उसका इलाज किया गया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर उसको किसी ने जानकारी दी इस विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के बारे में, जहाँ पर कितनी भी गंभीर बीमारी हो उसका उपचार निश्चित रूप से किया जाता है। फिर उसने यहाँ आकर अपनी गंभीर बीमारी के बारे में आचार्य जी को बताया। आचार्य जी ने देखा और बख्तियार खिलजी को अगले दिन एक पुस्तक पढ़ने को दी, जिस पर आचार्य जी ने उस रोग से संबंधित दवाई का लेप उसके पृष्ठों पर लगा दिया और उसको अध्ययन करने के लिए कहा। खिलजी ने ठीक वैसा ही किया, परिणाम स्वरूप वह उस बीमारी से स्वस्थ हो गया। किंतु उसके हृदय में यह प्रश्न उठ गया कि इस धर्म की पुस्तक मात्र पढ़ने से बीमारी ठीक हो गई, जो कोई भी हकीम ठीक नहीं कर सका। उसको ये सब अपने धर्म के लिए चुनौतीपूर्ण लगा। इसलिए बख्तियार खिलजी ने इस विशाल पुस्तकालय में सन 1199 ईस्वी में आग लगवा दी और यहाँ पर पढ़ रहे विद्यार्थी एवं आचार्य जी की सभी की हत्या करवा दी। बताते हैं इस पुस्तकालय में इतनी सारी किताबें थीं जो लगातार 3 महीने तक जलती रहीं। इस प्रकार एक विश्वख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। इस ऐतिहासिक क्षति को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो कि दुखद है। यहाँ पर बहुत ही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता इसका, इतना अद्भुत है यहाँ पे। वो अब तो रोना आता है कि 10,000 छात्र पहले पढ़ा करते थे और जो 10,000 छात्र यहाँ रह के पढ़ा करते थे और 1500 से अधिक टीचर पढ़ाया करते थे। उस समय में भी बताया जाता है हर सुविधा थी यहाँ, हर एक सुविधा थी उस समय पे भी। 12वीं शताब्दी की बात हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से ये बनाई होंगी। पहले से बनाया हुआ है, आप देखिए खुद अंदाजा लगा सकते हैं आप किस तरीके से इसमें काम किया गया, कितनी गहन। तो ये भाई साहब अंदर भी थोड़ी और गहरा भी होगा जिससे खुदाई भी नहीं की गई है। लैब यू भी है, एक्सपर्ट सभी कुछ था यहाँ पे और लाइब्रेरी में पूरी सब में आग लगा दी गई थी। आग किसके द्वारा लगाई गई थी देखिए किस प्रकार से, हमारी उस समय भी टेक्नोलॉजी थी, नहीं लगा सकता है कि नहीं लगा सकते। 9 मंजिली मानी जाती थी, बताई जाती है 9 मंजिल बकाया। आप देख सकते हैं 9 मंजिल में से यही निकाल मिली है। आप देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया है, किस तरीके से छोटी छोटी सिलाएं काट कर इनको चुना गया है। देख सकते हैं आप प्राचीन समय पे पहले की बहुत पहले की, आप देखिए खुद 12वीं शताब्दी की बात। मेरा बहुत ईश्वर का ऊपर वाले का मैं अभिनंदन करता हूँ कि 1200-1300 साल पुराना इतिहास आज मुझे देखने को मिला, ये मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। देख सकते हैं आप सभी लोग। चलो जय हिंद जय भारत।